एलुमनाई हर इंस्टीट्यूशन के लिए एक वैल्यू रखते हैं, और स्पेशली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो तकरीबन इस वक्त 98 ईयर्स ओल्ड एक इंस्टीट्यूशन है, और तो इसकी तो जो बॉडी है एलुमनाई की उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो यूनिवर्सिटी को जो एलुमनाई के लिए करना होता है सबसे पहले कि उनको किसी ना किसी तरीके से इंगेज करे, उनकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज़ करे और उनको अपना एक एसेट समझे। पिछले 3 साल से मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लीड कर रहा हूँ, तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जैसे जैसे हमें एलुमनाई मिलें या एलुमनाई बॉडीज़ मिलें तो हम उनको वेलकम करें, उनको यूनिवर्सिटी इनवाइट करें। इस दौर में एलुमनाई के साथ लिंक रखना, एक बहुत लार्ज बॉडी ऑफ एलुमनाई के साथ, उसके लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक पोर्टल डेवलप किया, और जिसमें अभी तकरीबन 20,000 एलुमनाई रजिस्टर हो चुके हैं। हम जब एलुमनाई बोलते हैं तो हम सिर्फ स्टूडेंट ग्रेजुएट्स को एलुमनाई कहते हैं, लेकिन जो इसकी जनरल डेफिनेशन है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई भी कुछ साल आपके साथ रहा हो फिर चला गया, वो भी आपका एलुमनाई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिकद्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर कासिम मलेशिया फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जो एलुमनाइज होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं पुराने, जो कि यूनिवर्सिटी से या स्कूल से पढ़ के चले जाते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस करंट इदारे के लिए, और फिर जब वो पढ़ जाते हैं और वो बड़े आदमी बन जाते हैं तो क्या वैल्यू वो यूनिवर्सिटी में आके दोबारा ऐड कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है अतर महबूब साहब को। अतर महबूब साहब इज़ करंटली वर्किंग एज ए VC एट बहावलपुर यूनिवर्सिटी। आइए मिलते हैं अतर महबूब साहब से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन, इट इज़ अ प्लेजर टू बी विद यू। जज़ाकअल्लाह सर, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन, और क्योंकि एक यूनिक टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, एलुमनाई। किसी भी इदारे में सर जो एलुमनाई होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी साख को बनाने में। जब भी हम अगर बात करते हैं तो जब वो काम करके बाहर कामयाब होकर दिखाते हैं तो बात की जाती है उस इदारे की कि ये वहाँ से पढ़ा हुआ है। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाइज हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? जी, एलुमनाई हर इंस्टीट्यूशन के लिए एक वैल्यू रखते हैं, और स्पेशली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो तकरीबन इस वक्त 98 ईयर्स ओल्ड एक इंस्टीट्यूशन है, और 2 साल बाद इसकी सेंटिनरी होगी, तो इसकी तो जो बॉडी है एलुमनाई की उसका साइज़ बहुत बड़ा है। 1925 में ये इस्टेब्लिश हुआ जामिया अब्बासिया के तौर पे, और 1975 में इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटी का चार्टर दिया। तो शुरू के जो 50 साल थे इसकी ओरिएंटेशन रिलीजियस एजुकेशन की तरफ ज़्यादा थी, और उसके बाद जब ये जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटी बना तो इसमें दीगर तमाम शोबे आ गए। तो ओवर द ईयर्स, क्योंकि ये बहावलपुर डिवीज़न की लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी भी है, तो इसके एलुमनाई में वो भी हैं जो ऑन कैंपस इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और इसकी डिग्रीज़ उन लोगों के पास भी हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस बहावलपुर डिवीज़न में ऑपरेट करते रहे। तो एक बहुत बड़ी एलुमनाई बॉडी है, और ये जैसे कहा जाता है दुनिया में कि ताली दो हाथ से बजती है। और जैसे आपने भी पूछा कि पहले तो ये बताया जाए कि यूनिवर्सिटी एलुमनाई के लिए क्या करती है, तो यूनिवर्सिटी को जो एलुमनाई के लिए करना होता है सबसे पहले कि उनको किसी ना किसी तरीके से इंगेज करे, उनकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज़ करे और उनको अपना एक एसेट समझे। एज लॉन्ग एज कि जब तक स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, लेकिन जब वो ग्रेजुएट करके चले जाते हैं तो वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं, और आपको उनसे एक लिंक मेंटेन करना होता है। तो इस हवाले से पिछले 3 साल से मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लीड कर रहा हूँ, तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जैसे जैसे हमें एलुमनाई मिलें या एलुमनाई बॉडीज़ मिलें तो हम उनको वेलकम करें, उनको यूनिवर्सिटी इनवाइट करें। एलुमनाई के जितने इवेंट्स या फंक्शंस होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें ज़रूर जाऊं। तो इस हवाले से ये है कि हमारे जो प्रोमिनेंट या एमिनेंट एलुमनाई हैं हम उनको बुलाकर रिकग्नाइज़ भी करते हैं, हमने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड दिए हैं। मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूं, लेकिन ये है कि वो लोग जिन्होंने इस्लामिया से पढ़ा और किसी भी फील्ड में डिस्टिंक्शन या एमिनेंस पे पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो उनको हम हमेशा बुलाते हैं, उनको स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करते हैं कि वो उनको लेक्चर दें कि किस तरीके से उन्होंने हार्डवर्क के ज़रिए ये मुकाम हासिल किया। तो पहला तो ये है कि यूनिवर्सिटी को एलुमनाई से लिंक रखना है।
अच्छा, अब इस दौर में एलमनाई के साथ लिंक रखना, एक बहुत लार्ज बॉडी ऑफ एलमनाई के साथ, उसके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट एलमनाई ने अपने सोशल मीडिया पे पेजेस भी फेसबुक पे बनाए होते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर यूनिवर्सिटी ख़ुद एक पोर्टल प्रोवाइड करे। तो हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक पोर्टल डेवलप किया और जिसमें अभी तकरीबन 20,000 एलमनाई रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा, इसका पर्पज़ ये है, पोर्टल का मल्टी पर्पज़ पोर्टल है कि एक तो एलमनाई एक दूसरे को ढूंढ सकें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि चूँकि एलमनाई का अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन से तो लिंक होता है, तो जो डिपार्टमेंट में क्लोज होते हैं वो तो लिंक्स मेंटेन रखते हैं, इनफॉर्मली या फॉर्मली अपनी बॉडीज़ बनाते हैं, लेकिन लेट्स से कि एक आपका कोई स्टूडेंट या एलमनाई किसी शहर में नया जाता है, तो वहाँ वो अगर ढूंढना चाहता है कि कौन से एलमनाई पहले से मौजूद हैं, तो ये जो पोर्टल है ये उनको ढूंढने का मौका देता है, ये उनको चैप्टर्स बनाने का मौका देता है। अच्छा, ये चैप्टर्स और ये सारी ये लूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो एलमनाई एक दूसरे से सोशलाइज भी कर सकें, एक दूसरे को ढूंढ सकें और यूनिवर्सिटी से लिंक अप हों ताकि यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ और डेवलपमेंट है उनकी अपडेट्स उनको मिल सकें, और फिर जो उनकी फ़ोटो एल्बम्स और मेमोरीज़ हैं अपने एरा की वो शेयर कर सकें, उसके अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो क्लोज ग्रुप्स हैं, ताकि अगर वो पिक्चर्स आपस में शेयर करना चाहें अपने पीरियड की तो कर लें, लेकिन अगर वो लार्जर एलमनाई बॉडी के साथ करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी के दीगर लोगों के साथ तो भी शेयर कर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपसे भी डिस्कशन भी हो रही थी, मतलब जब आप इल्यूमिनेंस को बुलाते हैं तो उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके क्या सोशल मीडिया पर अवेलेबल होते हैं, लोग चाहें तो अगर वो देख सकें? हाँ, कुछ इवेंट्स तो ऐसे रहे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स हमारा YouTube चैनल या सोशल मीडिया फेसबुक के ज़रिए हमने पब्लिसाइज की हैं, लेकिन अदर देन दैट जो हमारे न्यूज़ लेटर्स हैं, जो हमारे प्रेस रिलीजेज़ हैं, उनके ज़रिए हम इनको और वेबसाइट के ज़रिए वाइडली पब्लिसाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक टाइम आता है जब इंसान सोचता है कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, भाई मुझे पे बैक करना है, तो स्टूडेंट्स भी जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार मुझे पे बैक करना है, तो उन स्टूडेंट्स को आप कैसे एंगेज करते हैं जो कि रेडी हैं पे बैक करने के लिए? बिल्कुल, इस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी में हमने दो डिविजन्स, एक तो एलमनाई अफेयर्स का डिविजन बनाया है और एक यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट। तो यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट जो है, चूँकि जनरल जो एलमनाई का कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि एक आपकी जो ब्रांड है और एफिलिएशन है उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू लगाई नहीं जा सकती, ठीक है, उसके इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब फंडिंग की बात आती है तो उसके लिए जो प्रॉपर ऑफिस यूनिवर्सिटी में हमने बनाया है उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट, तो वो भी एलमनाई को टारगेट करती है, और हमारे एलमनाई ने जैसे एसएमडी जो एसएमडी होती है कि इवन डे लाइट में मल्टीमीडिया स्क्रीन 20 फीट वाइड, वो हमारे एक एलमनाई ने रिसेंटली डोनेट की। इसी तरह एक एलमनाई ग्रुप आया, चूँकि वो सोशल वर्क के एलमनाई थे, तो हमारी यूनिवर्सिटी में रिसेंटली फ़ीस थोड़ी बढ़ी थी पिछले साल, तो बच्चे अंडर प्रेशर थे, तो उस एलमनाई ग्रुप ने ये कहा कि सोशल वर्क की जो पूरी 50 स्टूडेंट्स की नई क्लास आएगी उसकी फ़ीस वो पे करेंगे, और उन स्टूडेंट से एक अंडरटेकिंग लेंगे कि जब वो ग्रेजुएट कर जाएंगे तो उसके बाद किसी टाइम पे जाके वो आइंदा आने वाले नए बैच के स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह फ़ीस जमा करेंगे। तो वो तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा फ़ीस थी क्लास की, 2 मिलियन, तो वो पूरा उस एलमनाई ग्रुप ने पे की। इसी तरह डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो डिफरेंट हमारे एलमनाई हैं उन्होंने इस्टेब्लिश की हैं, फ़ंड एक इस्टेब्लिश किया है जिसमें वक्त के साथ साथ वो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, तो वो एक एंडाउमेंट का भी रोल प्ले कर रहे हैं, और उसका जनरल पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाए, नीडी स्टूडेंट्स को जो अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन तरीक़ों से हम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, ऐसे भी एलमनाई हो सकते हैं जो इस स्टेज पे हैं कि वो एंटायर बिल्डिंग्स या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस हवाले से हम अपने एलमनाई को जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स हैं कि कौन सी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, कौन से कैंपसेस हमारे अप एंड कमिंग हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला ये यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट डायरेक्टरेट एक्टिवली एलमनाई को ब्रीफ भी कर रही है, ताकि अगर उस हवाले से भी उनसे बड़ी फंड रेजिंग हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल यही था जो आप थोड़ा सा जवाब भी देते, मैं चाहूँगा कि आप इसको और एलेबोरेट कीजिए कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि एलमनाई को और यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करती है आपस में। जैसे मैंने बताया कि चूँकि हम सब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलमनाई की एक ब्रॉडर डेफिनेशन भी देना चाहूँगा, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रेवेलेंट है। अमेरिका में जहाँ मैंने 8 साल एजुकेशन ली थी, हम जब एलमनाई बोलते हैं तो हम सिर्फ स्टूडेंट ग्रेजुएट्स को एलमनाई कहते हैं,
लेकिन जो इसकी जनरल डेफिनेशन है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई भी कुछ साल आपके साथ रहा और फिर चला गया, वो भी आपके एलुमनाई है। तो मैं एक्चुअली इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि मैं एज अ वाइस चांसलर आया, चार साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया, वंस आई विल लीव आई विल ऑल्सो बी एन एलुमनाई। सो बेसिकली जो एलुमनाई है वो एक शेयर्ड बॉन्ड है कि हम सब एक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते थे, वहाँ कुछ लोग स्टूडेंट रोल में थे वो डेवलप हुए, कोई फैकल्टी रोल में थे, तो जब वो यहाँ से चले जाएँ, चाहे स्टूडेंट थे चाहे फैकल्टी थे चाहे एम्प्लॉयज़ थे, उनके दरमियान बॉन्ड रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि एलुमनाई को किन लेवल्स पे देखा जाता है, तो मैं सबसे पहले तो इसको एक सोशल लेवल पे और एक कॉमनैलिटी के बॉन्ड के तौर पे देखता हूँ, एक सपोर्ट नेटवर्क के तौर पे देखता हूँ कि फिर जब एलुमनाई जॉब मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं 2, 3, 4, 5 साल के बाद और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे आते हैं, तो अब हमारा जो प्लेसमेंट ऑफिस है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो रीच आउट करे एलुमनाई को, और जब वो एलुमनाई को रीच आउट करेगा तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। डेफिनेटली चूंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हैं, तो इस पर डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा सकता कि आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को के साथ फेवरेटिज्म करें, लेकिन फिर भी ये है कि आपकी एक सिंपथी होती है, आप चांस तो डेफिनेटली देना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, बींग शेयरिंग द कॉमन बॉन्ड ऑफ बींग एन एलुमनाई ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, तो ये चीज़ें भी हम लोग एक्टिवली परसू करते हैं। और दूसरा ये है कि एलुमनाई ज़्यादा विलिंग होते हैं, मैंने देखा है बीइंग द वाइस चांसलर एंड लीडिंग द यूनिवर्सिटी, मैंने देखा है कि अगर बीइंग द वाइस चांसलर आई डेवलप द इंस्टीट्यूशन एंड द इंस्टीट्यूशन मेक्स प्रोग्रेस एंड द वैल्यू ऑफ द ब्रांड इंक्रीजेज, सो द एलुमनाई वंस दे नो के ब्रांड इज वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सो दे आर मोर विलिंग एंड दे फील अ सेंस ऑफ प्राइड। तो जो इंस्टीट्यूशन है उसको एलुमनाई के साथ लिंक भी मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपने इंस्टीट्यूशन के लिए अचीवमेंट्स लेके आने चाहिए, ताकि जो एलुमनाई हैं जब वो प्राइड फील करेंगे देन दे वुड लाइक टू गिव बैक टू द इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ठीक। कोई एनी टेंटेटिव नंबर कितने एलुमनाई जो हैं वो इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं? जी जी बिल्कुल, हमने जो एस्टिमेट लगाया है कि हमारी जो अपने कैंपस से डिग्री लेके जो लोग गए हैं उनकी तादाद नियरली 100,000 के करीब है ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। ये जो एलुमनाई बॉडी है ये 50 ईयर्स में जनरेट हुई। अच्छा, लेकिन जो हमारे साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें कोई 150,000 से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पूरे बहावलपुर डिवीज़न को कवर करता था और उसमें पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हर तरह के लोग आते हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो है वो बड़ी एक ह्यूज बॉडी ऑफ एलुमनाई है, और उनको लिंक करना डेफिनेटली खुद अपने अंदर एक नॉन ट्रिवियल चैलेंज और प्रॉब्लम है कि किस तरह आप इतनी बड़े एलुमनाई को एक उस पर लेके आते हैं। अब ये काम करना है एंड बीइंग द वाइस चांसलर हम इसको कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया पोर्टल नेटवर्किंग, लेकिन चूंकि कई दफ़ा इस तरह की जो बॉडीज़ हैं आपको पता है पाकिस्तान में वो बड़ी रिजिड उनके बायलॉज बन जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं और फिर वो ऑफिस ऑफ पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी को इन सब चीज़ों से अलहदा रखा है कि हमारी जो एलुमनाई की अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऑफिस बेयरर्स हैं और उनके इलेक्शंस और उनके कोई फंडिंग और कुछ है तो यूनिवर्सिटी उससे इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन एलुमनाई को नेटवर्किंग करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए हम प्लेटफॉर्म देंगे, और उस तरह की अगर कोई बॉडी है उसको हम यूनिवर्सिटी में ऑफिस तो दे सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स तक और दूसरे एलुमनाई तक रीच कर सकें, उनसे हम डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके अपने बायलॉज होंगे, उनके अपने इलेक्शंस होंगे और उसमें सो कॉल्ड जैसे पावर पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स आ जाती, तो हम यूनिवर्सिटी को उन सब चीज़ों से बाहर रखना चाहते हैं। Great, wonderful. Thank you very much, sir, for your time. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation, please go ahead. जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली जो कासिम अली शाह साहब हैं उन्होंने ओवर सो मेनी ईयर्स एक अपने लिए क्रेडिबल ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और जो हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली जब कासिम अली शाह साहब या उनके दीगर एसोसिएट्स आके ये मोटिवेशनल वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स दे बिकम मोर फोकस्ड टूवर्ड्स देयर गोल्स इन लाइफ, देयर एकेडेमिक्स एंड देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड और नीश है जिसको आप फुलफिल कर रहे हैं, जिसमें करियर काउंसलिंग भी है और इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने के बारे में भी वर्कशॉप्स होती हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल कासिम अली शाह फाउंडेशन ने ये एक ट्रेंड सेट किया है, और ये डेफिनेटली एक नीड है जिसको आपने एक बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया। जज़ाकअल्लाह।
थैंक यू वेरी मच आप लोगों का भी आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ है अतर महबूब साहब, वाइस चांसलर भावलपुर यूनिवर्सिटी के। दोस्तों, उन्होंने हमें बताया कि एलुमिनाई कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और किसी भी इदारे की जो साख है उसकी साख को बनाने के लिए वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो लोग देख रहे हैं और वो समझते हैं यार कि शायद यूनिवर्सिटी हमारे लिए कुछ नहीं करी, ऐसा नहीं है भाई, बैक एंड पे बहुत काम हो रहा होता है और मुसलसल जो करियर प्लेसमेंट वाले हैं वो आपके साथ रابطے में होते हैं, आपको रابطہ कर रहे होते हैं और आपको मौका देना चाह रहे होते हैं कि आप आइए, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आके आप उसको प्रेजेंट करें, अपनी सलाहियतों को बताएं जो आपने इस यूनिवर्सिटी से सीखा। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।